हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SKPN डिजिटल में। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको फिलहाल कंपैरिजन करके बताऊंगा अपने वीडियो में कि जो मेरा पुराना कंप्यूटर था और जो नया कंप्यूटर है उसमें मैंने क्या अपग्रेड किया है। वैसे तो मैंने पुराने कंप्यूटर को ही अपग्रेड किया है, सो इसी वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपको कैसे अपग्रेड करना है और कैसे आप अपने कंप्यूटर को सुपर फास्ट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जो मेरा ओल्ड PC था उसको ही मैंने अपग्रेड किया है SSD इंस्टॉल करके, और SSD इंस्टॉल करने के बाद जो कंप्यूटर की बूट प्रोसेस है, जो कंप्यूटर को जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो वो रीस्टार्ट करने में बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट देखा है मैंने, और बहुत ही जल्दी मेरा कंप्यूटर स्टार्ट भी हो जा रहा है। और जो आपको एक और बात बताऊँ, जो हैवी सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक फिल्मोरा हो गया, फोटोशॉप हो गया और DigiPay हो गया, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए ये सॉफ्टवेयर्स बताए हैं। ये सॉफ्टवेयर्स में फ्रेंड्स जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं, जब मैं पहले जब मेरा ओल्ड PC था तब मैं इसको जब अपग्रेड नहीं किया गया था तब इस सॉफ्टवेयर्स को मैं ओपन करता था तब इसमें कितना टाइम लगता था, अब देन मैंने इसमें अपग्रेड कर लिया है अब इसमें कितना टाइम लगता है ओपन होने में, और जो बूट की मैंने आपको प्रोसेस बताई वो भी कितने फास्टली होता है और कितनी जल्दी ये काम करने लगता है। वैसे तो फ्रेंड्स मैंने अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको, तो ये बहुत ही फास्टली रन करता है, मेरे लिए तो ये परफेक्ट रहा अपग्रेड करने के लिए, और ये बजट में भी है फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं छोटे सा अपग्रेड करने के लिए, छोटा सा अपग्रेड करके आप अपने कंप्यूटर को, अपने PC को सुपर फास्ट बना सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये SSD परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड की है, वहां से जाके आप SSD परचेस कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स इस वीडियो के अप साइड में आपको एक आई का बटन दिखेगा, मैंने उस वीडियो में आपको बताया है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी, और मैंने यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि मैं कैसे आपको अपने PC में आपकी SSD को इंस्टॉल करेंगे और कैसे आप वो परचेस करेंगे, कितने का बजट है, कैसी SSD का पूरा इंस्टॉलेशन की प्रोसेस, मैंने सब कुछ उस वीडियो में क्लियर किया है आपके लिए, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर चेकआउट कर लें। अब फ्रेंड्स चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको दिखाते हैं और सिखाते हैं कि कैसे आप अपने सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में अपग्रेड कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया ही कि कैसी कैसी प्रोसेस रहेगी, और वीडियो में आपको और अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स अब इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरे हैवी सॉफ्टवेयर से जिनको मुझे ओपन करने में प्रॉब्लम होती थी अब वो कितनी जल्दी ओपन हो जाते हैं और अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके चलते हैं और दिखा देते हैं कि कैसे सारी प्रोसेस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं।